सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, लगातार प्रशिक्षु कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि मैम यूपी टेट की परीक्षाएं कब होनी है। दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा की तिथि क्लियर हो गई है, यानी कि यूपी टेट की परीक्षा कब होगी इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं, क्या वे यूपी टेट दे पाएंगे और सुपर टेट में शामिल हो पाएंगे, इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ आप लोगों को। और फोर्थ सेमेस्टर यानी कि जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें हम लोगों ने कितने सब्जेक्ट खत्म कर दिए हैं पढ़ा करके और कितने कंटिन्यू चल रहे हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और किस तरीके से हमारी रणनीति है ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करके आए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ये जानिए कि यूपी टेट की परीक्षाएं कब होनी है और 2019 बैच कितने भी प्रशिक्षु हैं, क्या इसको दे पाएंगे या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है कि जो यूपी टेट की परीक्षा है वो दिसंबर में है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रदेश में भर्तियों का भी मौसम आ गया है। 3 माह इंतजार के बाद एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर में कराने की तैयारी है। ये इम्तहान अप्रैल में ही प्रस्तावित थे, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से शासन ने इसको टाल दिया था। इसके अलावा आपको पता है कि कोरोना भी एक वजह था। वहीं यूपीटीटी 2020 दिसंबर मध्य में होने के आसार हैं, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में कभी भी यूपी टेट का एग्जाम हो सकता है। तो यूपी टेट की डेट लगभग क्लियर ही है। तो जितने भी 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, अब कोई डाउट नहीं रह गया है कि आप सब इस परीक्षा में नहीं शामिल हो पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप सभी लोग इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। जितने भी प्रशिक्षु जिनका बैग था वो बहुत बहुत परेशान थे कि उनका जो अंक पत्र है वो मान्य होगा या नहीं, लेकिन अब आप लोगों को पता है कि अब दिसंबर तक पेपर होने हैं, तो उससे पहले आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और यहाँ तक कि फोर्थ सेमेस्टर सभी के आपको रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। आप लोगों का डीएलएड पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि आप लोगों की इंटर्नशिप फोर्थ सेमेस्टर की लग गई है। इससे पता चल रहा है कि आप लोगों का सही समय पर एग्जाम भी हो जाएगा फोर्थ सेमेस्टर का, और आप सभी लोग यूपी टेट देने के लिए बिल्कुल वैलिड होंगे। और अगर आप लोग यूपी टेट देने के लिए वैलिड हैं, तो 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं, आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है कि आप सभी लोग आगामी शिक्षक भर्ती में बहुत आसानी से शामिल हो पाएंगे। आप लोगों का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से यूपी टेट की तैयारी करने का भी समय मिलेगा, वो भी हम आपको करवाएंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप लोगों का जो सेशन है वो भी सही समय पे कंप्लीट हो रहा है, आप लोग का यूपी टेट भी सही समय पर आ रहा है, और जो नई शिक्षक भर्ती है वो भी सही समय पर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग के लिए सुनहरा चांस है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए, और जैसे ही जो मौका आप लोगों को मिल रहा है उसको बिल्कुल मत गवाइए और मेहनत करिए ताकि जल्द से जल्द आप सभी प्रशिक्षु शिक्षक बन पाए। दोस्तों, अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर जूनियर एडेड हाई स्कूल में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती निकली है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मेन चीज आपको फोकस किस पर करना है आपको पता ही है। यहाँ पर आप देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी 2020 के लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने व ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने की प्रक्रिया के कारण ही क्या करना पड़ा था, इसको स्थगित करना पड़ा था। 25 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कराई जानी है। तो ये सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो 2019 बैच को इसका होगा कि आप लोग अभी अपने फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करिए। फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करने के बाद, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद, आप लोगों का पूरा फोकस अपने यूपी टेट की परीक्षा पर होना चाहिए। आप लोगों का अगर सही समय पर एग्जाम हो जाता है तो आपके पास सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, इसके अलावा आधा दिसंबर, आपके पास 3.5 महीने का टाइम रहेगा यूपी टेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए, और इतना टाइम पर्याप्त रहेगा आप लोग को बेस्ट से बेस्ट स्कोर करने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आप लोग के लिए एक सुनहरा मौका है, आप यूपी टेट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सुपर टेट में भी बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी प्रशिक्षु इस जानकारी को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। अब दोस्तों, मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो पूरा सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर में हम लोगों ने आपको फर्स्ट पेपर जो कि आप लोगों का
आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, उसको पूरा पढ़ा लिखा के मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, आप लोगों को पता है, पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। साइंस आज खत्म हो जाएगा। सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हमने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। इसके अलावा साइंस विषय पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, इसके अलावा आप लोगों का हिंदी, सामाजिक अध्ययन, ये पांच पेपर आप लोगों के हमने पढ़ा लिखा के खत्म कर दिए हैं। पांच पेपर आपको इसकी पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पर। ऐप आपको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर आपको सभी वीडियोस भी मिलेंगी चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट के। इसके अलावा हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट भी देने को मिलेगा ऐप पर, और आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जो आपको पता है कि यूट्यूब पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको जितनी भी वीडियोस हमने आज तक बनाई है फोर्थ सेमेस्टर की। तो जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको ऐप को ही डाउनलोड करना पड़ेगा, और यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके फोर्थ सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। और दोस्तों जो हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय है, ये प्रियंका मैम टारगेट टीचर जॉब चैनल पर पढ़ा रही हैं। तो टारगेट टीचर जॉब चैनल को भी आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां से प्रियंका मैम इस समय आपका हिंदी और सामाजिक अध्ययन उन्होंने कंप्लीट करा दिया है, अब वो शांति शिक्षा पढ़ा रही हैं, यानी कि जो लास्ट पेपर है आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर में। तो लास्ट पेपर को भी आप लोग पढ़िए। अब यहाँ पर आप लोगों को साइंस आज कंप्लीट हो जा रहा है, इसके बाद आपको रेगुलर इंग्लिश और मैथ की क्लास मिलेगी हमारे चैनल पर। तो इंग्लिश और मैथ के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए, और इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट सही समय पर टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल पूरा कर देगा। और ऑलरेडी आपको पता है कि सभी विषयों के पवन सीरीज, राजन सीरीज के कंप्लीट बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस हम हमेशा कराते हैं आपके हर एक सेमेस्टर में, पता है आप लोगों को, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो पाए। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आज ये जो खबर आई है ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी है, और आप लोग अगर चाहें तो अपना भविष्य संवार सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं इससे। क्यों? क्योंकि बहुत सही टाइम पर सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। आपका जब फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा उसके बाद आपको पर्याप्त समय मिलेगा यूपीटेट की तैयारी के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप अपने फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी पर अभी जो आपके पास समय है उसको फोर्थ सेमेस्टर पर पूरा फोकस करिए, और फिर उसके बाद आप लोग यूपी टेट पर फोकस करेंगे, और यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट आता है। तो इस तरीके से आपको सभी सभी एग्जाम की तैयारी के लिए समय मिल रहा है, तो आप लोग अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए। और जितने भी प्रशिक्षु हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो समय, जो मौका मिला है उसको आप लोग गंवाइए मत, उसके लिए मेहनत करिए, और रेगुलर अपने अपना जो फोकस है वो अपनी पढ़ाई पर बना के चलिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने सही समय पर नौकरी पा ली तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे, कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यूपी टेट के लिए जो भी किताबें चाहिए, किताबें कौन कौन सी लेनी है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दी हैं, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।